नमस्कार दोस्तों, मैं रेवस राय, द पॉजिटिव थिंकिंग का क्रिएटर, सफल लोगों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में सफलता के वो सीक्रेट शेयर करने वाला हूं, जिससे आपकी सफलता में चार चांद लग सकते हैं। हर व्यक्ति का सपना होता है, किसी को न किसी को देखकर कई प्रकार के सपने बनते हैं लोगों के। किसी भी व्यक्ति की लाइफ स्टाइल को देखता है, उसकी जैसी लाइफ स्टाइल जीना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि यार मैं भी वैसी लाइफ जीऊँ, एक सक्सेसफुल व्यक्ति की लाइफ जीऊँ। एक लड़का होता है, कॉलेज टाइम में पढ़ रहा होता है, उस समय में एक बिजनेसमैन से मुलाकात होती है उस व्यक्ति की, तो वो डिसाइड करता है कि यार ज़िंदगी में मुझे एक बिजनेसमैन बनना है। बिजनेस करने के बाद जो सफलता मिलती है, बिजनेस में क्या लाइफ स्टाइल होती है, बड़ी बड़ी कार होती हैं, लग्जरी लाइफ होती है, बड़े बड़े बंगले होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, तो वह व्यक्ति बिजनेसमैन बनने की सोच लेता है। तो बिजनेसमैन बनने के लिए कुछ दिन मेहनत करता है, बहुत लगन से मेहनत करता है, कुछ दिन करते करते फिर उसी समय में उसको एक सिंगर मिलता है। उस सिंगर की आवाज़ को सुनता है, सिंगर के गाने को सुनता है, तो सिंगर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और वो सोचने लगता है कि नहीं यार, बिजनेस में कुछ नहीं, अब तो मुझे सिंगर बनना है। तो कुछ सिंगर बनने के लिए मेहनत करने लगता है, प्रैक्टिस करने लगता है, तो कुछ दिन तक बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। फिर उसके बाद में उस किसान से मिलता है, किसान की फसल देखता है, लहलहाती हुई फसल खड़ी होती है, तो वो किसान से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और वो सोच लेता है कि यार मुझे अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अब खेती करना है। खेती में कितनी लहलहाती फसल है, कितनी चारों ओर हरियाली है, कितना संतुष्ट जीवन है, यह सोचकर वो व्यक्ति कृषि करना स्टार्ट कर देता है और कृषि करते करते जिसकी चित्रकला देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है और वो मन में ठान लेता है कि यार अब मुझे चित्रकारी करना है। तो कुछ दिन तक चित्रकारी करता है, चित्रकारी करते करते उसकी एक साधु बाबा से मुलाकात होती है। बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं साधु बाबा से मिलने के लिए, तो वो व्यक्ति भी सोचता है यार कि मैं कब से लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्यों ना मैं भी जाकर उस साधु महात्मा से मिलकर आऊँ। तो साधु बाबा को बोलता है कि गुरु जी, मैंने जीवन में बहुत कुछ किया, मैंने बिजनेसमैन बनना चाहा, बिजनेसमैन नहीं बन पाया। फिर वह लड़का बोलता है कि गुरु जी, मैंने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किया, मगर सफल मैं आज तक नहीं हो पाया। ऐसी क्या वजह है जिससे मेहनत मैं पूरी कर रहा हूँ लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पा रही है मुझे, ऐसा क्या कारण है? तो मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए जिससे मुझे सफलता मिल सके, जिससे मैं सफल व्यक्ति बन सकूँ। तो गुरुजी बोलते हैं कि बेटा, आपने जीवन में क्या क्या किया है, थोड़ा सा मुझे बताइए। वह लड़का गुरुजी को बताने लगता है कि गुरुजी, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि यार पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, अब मुझे बिजनेसमैन बनना चाहिए। तो मैंने बिजनेस भी किया, फिर उसके बाद में मैं सिंगर भी बनना चाहा, उसके बाद में मैंने कृषि भी किया, और उसके बाद में मैंने अभी मैं जो है वर्तमान में एक चित्रकारी कर रहा हूँ, चित्रकलाएँ कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि चित्रकला में भी मैं सफल नहीं हो सकता। तो गुरुजी बोलते हैं कि बेटा, अलग अलग जगह कुआँ खोदने से कभी कुआँ नहीं बनता। बेटा, अगर आप पूरी जीवन में अगर एक लक्ष्य डिसाइड करता और उस लक्ष्य में फोकस करता, तो आज तू 100% सक्सेस को पा लेता। जैसे अलग अलग जगह से, अलग अलग जगह में कुआं खोदने से कभी पानी नहीं निकल सकता, ना कभी कुआं बन सकता, वैसे ही अलग अलग काम करने से कभी सफलता नहीं मिल सकती, कभी भी सफल नहीं बन सकते। अगर आप लोग हमेशा एक ही दिशा में एक ही लक्ष्य को फोकस करेंगे तो 100% आप सफल होंगे, गारंटी है 100% सफलता हाथ लगेगी। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, तो मैं उसको रिप्लाई करूँगा।